नमस्कार, लोकमत खबर दो पर मैं आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। कोची शिपयार्ड में धमाका, 5 लोगों की मौत की खबर। केरल के कोची में शिपयार्ड में धमाके की खबर है। बताया जा रहा है कि इस धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह धमाका शिपयार्ड में उस समय हुआ जब ONGC के ड्रिल शिप सागर भूषण के मरम्मत का काम चल रहा था। तभी अचानक से धमाका हुआ और चारों ओर धुआं फैल गया। प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के करण नगर में मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी ढेर। रक्षा मंत्री सीतारमन की पाकिस्तान को 2 टूक, कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। करण नगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में सुरक्षा बलों पर हुए 2 बड़े आतंकी हमलों के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि सीमा पार से किए जा रहे हमलों में पाकिस्तान अपनी भूमिका के लिए कीमत चुकाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा, वह पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए समय सीमा तो तय नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। त्रिपुरा के मणिक सरकार के पास सबसे कम संपत्ति। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस वक्त देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। नायडू के साथ अमीरी इस लीग में 2 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू और 3 नंबर पर हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। नायडू के पास 177 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। वही खांडू के पास 129 करोड़ और अमरिंदर सिंह के पास 48 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सबसे गरीब त्रिपुरा के CM मणिक सरकार के पास सिर्फ 26 लाख की कुल संपत्ति है। उनके पास न तो अपनी कार है और न ही कोई घर। मणिशंकर अय्यर ने कराची साहित्य सम्मेलन में पाकिस्तान की तारीफ। कहा, नई दिल्ली के पास कोई नीति नहीं। कांग्रेस से निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत की पैरवी की है। अय्यर ने बातचीत के जरिए मुद्दों को हल करने की कोशिश के लिए पाकिस्तान की सराहना की और कहा कि नई दिल्ली के पास यह नीति नहीं है। इसके साथ ही मणिशंकर अय्यर ने कहा, वह पाकिस्तान को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वह भारत से प्यार करते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वां वनडे मुकाबला आज। वनडे मैच जीतकर सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 4थे वनडे में हार का सामना करने वाली भारतीय टीम आज पोर्ट एलिजाबेथ में 5वें वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार उसके घर में द्विपक्षीय सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। भारत ने 6 मैचों की वनडे सीरीज के पहले 3 मैचों में धमाकेदार जीत दर्ज की थी, लेकिन 4था वनडे दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किया था। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज.in के साथ।